choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Damnation. Dr. Strange कह रहे हैं ये याद रखना जरूरी है कि इन सब की शुरुआत एक अच्छी सोच से हुई थी. मैंने लॉस वेगस को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया था और ये काम कर गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बाहर निकला सीधा हेल के कुएं से, और जहां हेल जाएगा वहां मेफिस्टो जाएगा. जब वो शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था तब वो मेफिस्टो के रैम में चला गया, और जब मैं उसे वापस लाया तो उसे बात पसंद नहीं आई. वो सारे शहर के अंदर एक बीमारी फैला रहा है, हर किसी को पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है और फिर उनको खुद सजा भी दे रहा है. तो हाँ, इन्हीं सब की वजह से मैं मेफिस्टो के साथ पत्ते खेल रहा हूँ. लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी है और इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा. मैंने चीटिंग की, लेकिन मेफिस्टो चीटर्स के साथ वैसे ही काम करता है जैसे पुराने कैसीनो बॉस काम करते हैं. उसने अपने एक बाउंसर से कहकर मेरी टांगे तुड़वा दी, और उसके बाउंसर्स हैं एक ग्रुप ऑफ अवेंजर्स जिसे उसने घोस्ट राइडर्स में कन्वर्ट कर दिया. और हाँ, वैसे ये मेरी गलती है और अब टाइम है कि मैं कुछ दोस्तों से मदद मांगूं, लेकिन अब मेरे कोई दोस्त ही नहीं बचे. उधर बैट्स वोंग के साथ एक बार के अंदर बैठा हुआ कह रहा है, ठीक है वोंग, मैं किसी भी उस शहर में टाइम गुजार सकता हूँ जहाँ पे कुत्तों को बार के अंदर बैठने दिया जाता है. लेकिन फिर हम एक बार के अंदर क्या कर रहे हैं? वोंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं स्टीफन की मदद करूंगा, फिर चाहे वो खुद मना ही क्यों ना कर दे. लेकिन मेफिस्टो एक ताकतवर दुश्मन है, उसे हराने के लिए हमें मदद चाहिए होगी, उनकी मदद जिनका डार्कनेस के साथ लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है. बैट्स ने कहा, लेकिन यहाँ यहाँ कौन? तभी खिड़की तोड़ते हुए एक आदमी को अंदर फेंका गया. ये ब्लेड था जो वहाँ आए वैम्पायर्स को मार रहा था और उन्हें बाहर सूरज की रोशनी में फेंक देता है. ब्लेड वोंग को देखकर कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारा कुत्ता खून नहीं पी रहे, मुझे लगता है कि तुम गलत बार के अंदर आ गए हो. वोंग कहता है, हाँ, और वैसे मैं आर्सेनल का फैन हूँ. वो अपनी फुटबॉल जर्सी दिखाता है. ब्लेड ने कहा, वैसे तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया और मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझसे काम करवाने के लिए आए हो. फिर वोंग और बैट्स माउंटेन्स ऑफ वुंडागोर पहुँचते हैं जहाँ पे उनके सामने एक वेंडिगो खड़ा है. वोंग कहता है, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा काम कितना इम्पोर्टेंट है और हमें तुम्हारे काम के बीच में बोलना पसंद नहीं है, लेकिन लॉस वेगस में खलबली मची हुई है, गलियों में लोग एक दूसरे को फाड़ रहे हैं और यहाँ तक कि डीमंस भी. तभी कोई उस वेंडिगो को मार देता है. ये थी एल्सा ब्लडस्टोन जिसने गुफा से बाहर निकलकर कहा, क्या किसी ने डीमंस बोला? वेल, चिंता मत करो गाइस, एल्सा ब्लडस्टोन तुम्हारा काम ठीक करेगी. नहाने के बाद फिर ये दोनों पहुंचे आयरन फिस्ट के पास. उसने कहा कि मैं न्यूज देखता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. हालांकि मून नाइट बकचोदी किए बिना नहीं माना. उसने कहा, नो, आई एम सॉरी, मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता. लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं टीम में हूँ. तो गाइस, है ना ये पागल. फिर ये दोनों पहुंचे डॉक्टर वुडू के पास, जिसे आप ब्रदर वुडू भी कह सकते हैं. उसने कहा कि मैं यहाँ पे अर्थ के साथ फिर से कनेक्ट होने के लिए आया था, मैं थोड़ी सी शांति चाहता था. वोंग ने कहा, मैं समझ रहा हूँ और मैन थिंग इसमें तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि फिर से बोलने लग गया होगा. डॉक्टर वुडू ने कहा, हाँ, जब से इसने बोलने की शक्ति खोई है तब से हम नेचर के थ्रू बात करते हैं, जैसे कि एक हवा का झोंका या कीचड़ का पानी, ऐसे ऐसे. वोंग पूछते हैं, और वो तुमसे क्या कह रहा है? डॉक्टर वुडू ने कहा, वो कह रहा है कि तुम अपने कुत्ते को उसके पैर पे मूतने से मना करो. बैट्स कहता है, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत दाब आ रही है. वैसे हमारी टीम पूरी हो गई क्या? वोंग कहता है, अभी नहीं बैट्स, अभी एक और बचा है. और गाइस, ये है घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज, जो कि एक सुनसान इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन के पास रुकता है और दुकानदार से जबरदस्ती सामान मांगता है. लेकिन जब वोंग ने इसे मदद के लिए बोला तो उसने साफ मना कर दिया. उसने कहा कि तुम्हें हमेशा मदद चाहिए होती है, लेकिन यहाँ से 50 मील दूर एक छोटी लड़की बिना नाम की कब्र में दबी हुई है, किसी ने उसकी मदद नहीं की, और अब उसे अपना बदला मिलेगा, वेंजेंस मिलेगा, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो इस लड़की से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता. वोंग स्टीफन स्ट्रेंज का नाम लेता है. जॉनी ने कहा, अरे आलिस, डॉक्टर स्ट्रेंज का तो पिछवाड़ा फाड़ना पड़ेगा, अगर तुम उस डॉक्टर स्ट्रेंज का पीछा करना बंद कर दोगे ना तब वो मुसीबत में पड़ना बंद कर देगा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वोंग कहता है, देखो यार, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी सी अलग है. वो अर्थ पे एक एविल को ले आया, एक ऐसा एविल जिसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो, और वो है मेफिस्टो. वो अर्थ पे आ चुका है और अपने साथ हेल लाया है. तो जॉनी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो मेफिस्टो को खा जाएगा.
खैर ये सब लोग मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटेंस सेंटोरियम में मीटिंग कर रहे हैं। वोंग कहता है, देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आने वाली चीज से हम सभी लोग नहीं बच पाएंगे। मैच कहता है, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो नहीं बच पाएंगे। वोंग ने कहा, शट अप बैट्स, ठीक है चलो मीटिंग शुरू करते हैं। तो गाइस वोंग इन सबको वही राम कहानी सुनाता है जो मैं आपको बार बार सुनाकर बोर नहीं करना चाहता। वो इन सब लोगों को घोस्ट राइडर्स में कन्वर्ट हुए एवेंजर्स के बारे में बताता है जो इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। मैंने तुम सब का असाइनमेंट तुम्हारे सामने रखे लिफाफों के अंदर डाल दिया है, टाइम लगे तो पढ़ लेना। तभी जॉनी ने उसे याद दिलाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो कुछ टाइम पहले सेंट्री के साथ घूम रहा था, शायद हमें सेंट्री से ही मदद मांग लेनी चाहिए। और गाइस सेंट्री वाले 2-3 एपिसोड हैं जो मैं आपके सामने इसके बाद ला दूंगा। वोंग कहता है, उसे यहाँ पे लाना अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी अब सेंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज से नफरत करता है, इसलिए मैंने तुम सभी को चुना है। एल्सा पूछती है, और वांडा कहाँ पे है, वो यहाँ क्यों नहीं है? मेफिस्टो ने लॉस वेगस को हेल में कन्वर्ट कर दिया और उसने अपने होटल से बाहर निकले बिना ही एवेंजर्स को रास्ते से हटा दिया। देखो मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 मॉन्स्टर्स, एक साइकोपाथ, एक कुंफू वाला आदमी और एक बिना काम का बेकार सा वैम्पायर क्या ही कर लेगा उसके खिलाफ। ब्लेड ने कहा, ए लेडी क्या कह रही है? एल्सा कहती है, देखो यार ऑफेंड मत हो, ये वैम्पायर्स करते ही क्या है, मैं तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार चुकी हूँ लेकिन कभी कोई वैम्पायर मेरे सामने ही नहीं आया, क्या डरपोक किस्म के लोग हैं। ब्लेड कहता है, देखो मैं तुमसे अच्छा काम करता हूँ। फिर आयरन फिश ने कहा, हे ये क्या कुंफू वाला गाय कह रही हो, ये लड़ने का काफी बेहतरीन तरीका है। फिर जॉनी कहता है, वैसे फिश यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ कर ही क्या लेगा। तभी वो उन सबको लड़ने से मना करता है, एनफ तुम्हारा लड़ना बंद हो चुका हो तो मैं आगे कहूँ, लेकिन मून नाइट को बीच में बोलना ही था। वैसे ये साइकोपैथ किसे कह रही थी? वोंग कहता है, मैंने तुम सभी को एक कारण के लिए चुना है, अब या तो तुम पहले मर चुके हो या तुम डैम्ड हो या अपने साथ डार्कनेस को लेकर चलते हो, तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो। मैंने तुम लोगों को चुना क्योंकि मेफिस्टो के खिलाफ लड़ने में तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी सेना में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर वो तुम्हें कन्वर्ट कर भी देता है तो मैं अपनी पावर से तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगा। अगर तुम लोगों को मेरा रास्ता पसंद नहीं है तो यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं जो तुम्हें बाहर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि तुम बाहर निकलो तुम्हें खुद से पूछना होगा कि अगर तुम मुसीबत में होते तो क्या स्टीफन स्ट्रेंज तुम्हें बचाने के लिए आता, वो अपनी प्यारी चीजों को छोड़कर तुम्हें बचाता। मैं जानता हूँ कि वो मुझे बचाने जरूर आता, मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा है, और अगर मुझे मेफिस्टो के साथ अकेले लड़ना पड़ा तो मैं जरूर लड़ूंगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे अकेले ना जाना पड़े। तो अगर किसी को कोई आखिरी सवाल पूछना हो या वो ये जगह छोड़कर जाना चाहता हो तो यही तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम सब का काम तुम्हारे फोल्डर्स के अंदर है, हम 30 सेकंड में निकलेंगे। फिर डॉक्टर वुड ने कहा, मैन थिंग पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम उसका प्लान जोर से बोलकर उसे बता दो। वोंग कहता है, ठीक है, वैसे प्लान सिंपल सा है, तुम सभी लोगों को घोस्ट राइडर्स को मुझसे दूर रखना है, और मैं स्टीफन को मेफिस्टो के टावर से छुड़ाने के लिए जाऊंगा, और इंसानों का ध्यान रखना, अब तक वो लोग भी डीमंस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो अगर तुम्हें उन्हें दर्द पहुंचाना हो तो पहुंचाओ, लेकिन मारना मत, और मून नाइट तुम खासकर। और एक बार मैं और बैट्स स्टीफन स्ट्रेंज को बचा लेंगे तो हम उस डेविल को वापस हेल के अंदर भेज देंगे। तो गाइस अपने लोग लड़ने के लिए बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। ब्लेड और एल्सा ब्लडस्टोन अब भी बहस कर रहे हैं, तभी एक जोर की आवाज के साथ कोई चीज ब्लेड को अपने साथ उड़ा ले गई। सभी हीरोज उसकी तरफ भागे और उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि ये थोर का हैमर था जो ब्लेड की छाती पे टिक चुका है। वो कहता है, उतारो इसे। आयरन फिस्ट डॉक्टर वुड को कुछ करने के लिए बोलता है, लेकिन उसने कहा कि ये एस्गार्डियन एन्चेंटमेंट है, मेरा मैजिक इसके जादू को नहीं तोड़ सकता। तभी एल्सा ब्लडस्टोन अपनी टीम का ध्यान उनकी तरफ आ रहे एवेंजर्स की तरफ करवाती है। हॉकाई अपना वेपन चालू करता है। मून नाइट ने कहा, हे गाइस क्या मैं ही पागल हूँ या फिर आग की बारिश हो रही है, क्योंकि हॉकाई उनकी तरफ जलते हुए तीर फेंकता है। डॉक्टर वुड ने एक शील्ड बनाकर सभी को अपने पीछे आने के लिए कहा, लेकिन तब तक वोंग और मून नाइट को तीर लग चुके थे। डॉक्टर वुड ने कहा, मेरे मैजिक का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, हमें वापस भागना होगा। मून नाइट कहता है, ठीक है लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम इनसे बचकर निकल पाए। तभी एक सीमेंट ट्रक आकर उन एवेंजर्स को जोरदार टक्कर मारता है। वोंग ने सोचा, आखिर ये कौन हो सकता है, और गाइस ये था स्कारलेट स्पाइडर जो कि स्पाइडरमैन का क्लोन है। उसने ट्रक से बाहर निकलकर कहा, ऑल राइट एवरीवन जल्दी करो, कम ऑन ये लोग जल्दी वापस खड़े होने वाले हैं, लेकिन तुम लोग मेरे साथ सुरक्षित रहोगे। लेकिन अपने हीरो से घूरने लगे। स्कारलेट स्पाइडर ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं यहीं रहता हूँ। तभी जॉनी ब्लेज कहता है, हे ये वोंग कहाँ मर गया,
क्योंकि गाइस बैट्स और वोंग उस टीम को छोड़कर भाग निकले। बैट्स ने कहा, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़कर आ सकते हैं? ब्लेड की छाती पे वो जलता हुआ हैमर रखा हुआ है, उसमें छेद हो जाएगा। वोंग ने कहा, मैं जानता हूँ बैट्स, लेकिन हम यहाँ ब्लेड के लिए नहीं आए, हम यहाँ स्टीफन स्ट्रेंज के लिए आए हैं। और तभी उनके ऊपर एक जोरदार हमला हुआ। वोंग ने देखा कि उनके सामने खुद स्टीफन स्ट्रेंज आ चुका है। वो कहता है, वेल अच्छा हुआ कि तुम ही लोग यहाँ पे आ गए, वेलकम टू हेल ऑल्ड फ्रेंड। और गाइस इस टाइम पे स्टीफन स्ट्रेंज घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो रखा है। तो ये एपिसोड यहीं तक था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए, हालांकि आजकल लाइक्स पूरे नहीं हो रहे, क्या ही कर सकते हैं।